विशाल शर्मा यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज आपके सामने लेकर आया है एक ऐसी वीडियो जिसका विषय है बिना मंत्रा के वशीकरण। आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि बिना मंत्रा के भी कोई वशीकरण किया जा सकता है। बहुत से लोग, बहुत से बाबे तांत्रिक यंत्र मंत्र करते हैं और मंत्रा द्वारा वशीकरण करने के टोटके उपाय बताते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं गृहस्थी से जुड़े इंसान मंत्रा का जाप नहीं कर सकते। जो लड़कियाँ या लड़के या फिर वाइफ है वो अपने घर परिवार में बैठकर मंत्रा जाप नहीं कर सकती। बहुत से लड़कियों और वाइफों ये बहुत सी स्त्रियों के हमारे पास कमेंट्स आए कि गुरुजी कुछ ऐसा बताया जाए जिसके चलते हमें मंत्रा का जाप ना करना पड़े, क्योंकि घर परिवार में रहने वाले लोगों के लिए मंत्रा जाप करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं और चाहते हैं बिना मंत्रा के वशीकरण किसी को भी अपना बनाने का वो उपाय टोटका जिसके ज़रिए आपको भी जीवन आसान हो जाए, तो आज की हमारे इस यूट्यूब चैनल की वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और जानिए वो उपाय टोटके जिसके चलते आप भी अपनी समस्या पर काबू पा लेंगे और इस इंसान पर भी काबू पा लेंगे जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए कि किस प्रकार से आप उस इंसान को अपना बना सकते हैं और अपने चंगुल में फंसा सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक घड़ा लेना होगा, मिट्टी का घड़ा जिसमें पानी रखते थे पिछले किसी ज़माने में, आज आपने उसको लेना है और एक लाल कपड़े में अच्छे से बांध लेना है। दोस्तों 1-2 मीटर के कपड़े में आप उसको अच्छे से बांध लेंगे और आपने उसके साथ थोड़ी से चीनी, थोड़े से चावल, थोड़ा गुड़ और काले तिल लेके आपने उस इंसान का नाम अपने मस्तिष्क में स्मरण करते रहना है और ये सारी सामग्री के साथ आपने एक कागज पर नाम लिखकर उस इंसान का जिसे आप वश में करने के लिए सारी प्रक्रिया कर रहे हैं चौराहे के बीचों बीच रात्रि शनिवार के दिन 7 बजे के बाद बाद आप इसको रखाएं। इसके बाद यकीन करिए 15 दिन के अंदर वो इंसान आपके वशीभूत हो जाएगा जिसे आप अपना बनाने के लिए इतना कुछ कार्य कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।